नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा भारत और जापान के बारे में। जापान में जो वर्तमान प्रधानमंत्री बना है ना, फुमियो किशिदा, कह सकते हैं कि वर्तमान का सबसे घातक प्रधानमंत्री है। दोस्तों, फुमियो किशिदा अपने आप में बेहद ही खतरनाक एक्शन लेने के लिए वो दोस्तों फेमस है, और जापान के लोग बोल रहे हैं कि यही प्रधानमंत्री कुछ कर सकता है। और बड़ी बात तो यह है, दुनिया के तमाम मीडिया एक चर्चा कर रहा है कि जापान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा। और दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा भारत किस प्रकार से जापान को परमाणु शक्ति बनने में मदद कर सकता है। और बड़ी बात तो यह है, भारत एक ही एक्शन से पूरे एशिया में क्रांति ला देगा। दोस्तों, चीन धराशायी हो जाएगा, रशिया धराशायी हो जाएगा, यहाँ तक कि यूरोप अमेरिका सब धराशायी हो जाएगा। और दोस्तों, अकेला भारत और जापान मिलकर दुनिया को दोस्तों एक नया खासतौर पर रास्ता दिखाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एशिया में क्रांति शुरू हो चुका है। जापान के प्रधानमंत्री दोस्तों फुमियो किशिदा एक बेहद ही चतुर और चलाक प्रधानमंत्री है, और कह सकते हैं कि शिंजो आबे भी दोस्तों उनका कई बार तारीफ कर चुका है। इतना ही नहीं, वर्तमान में दोस्तों जापान के पीएम से चीन थरथर कांपता है। कह सकते हैं कि फुमियो किशिदा का साफ कहना है कि हम आर्या पार करेंगे, हम मर जाएंगे या फिर तुम्हें मिटा देंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे एक बात समझ जाए दोस्तों, भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उसे भी दुनिया खतरनाक रूप में मानता है। आप लोग बेशक मोदी जी भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन खड़ा करते होंगे, आप लोग हल्के में लेते होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुनिया के कोने कोने में, दुनिया में 195 से अधिक देश है, आप किसी से पूछेंगे तो मोदी एक बेहद ही खतरनाक किस्म का नेता वहाँ पे माना जाता है। सब कहता है कि मोदी कुछ भी कर सकता है, मोदी आर्या पार कर सकता है, मोदी के दोस्तों बारे में हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्टिकल छपता है। यानी कि इसी प्रकार से जापान में का वर्तमान प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा। मैं बताऊंगा आखिरकार दोनों मिलकर किस प्रकार से एशिया की रणनीति अब बदलने वाले हैं, और एशिया का इतिहास भूगोल सब बदलने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे, अरे भाई जापान के बस में नहीं है ये परमाणु बम बनाना, जापान अभी तक बनाया क्यों नहीं। दोस्तों, एक बात ध्यान रख लीजिए, वर्तमान में टेक्नोलॉजी ही पता है सब चीन को मास्टर बोला है, ठीक है। दोस्तों, इसराइल को मास्टर बोल रहा है, और दोस्तों बड़ी बात तो यह है, जापान दोस्तों बांधा हुआ है। जापान को दोस्तों वर्ल्ड वार टू से उसे सबने रोका है कि तुम कभी भी कोई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते हो और अपने सेना को नहीं बढ़ा सकते हो। फिर भी दोस्तों जापान दुनिया का पांचवा महाशक्ति देश है। कितना? दुनिया का पांचवा महाशक्ति सैन्य शक्ति देश है। भारत कितना है? चौथा है, जापान पांचवा है। और दोस्तों, जापान दुनिया का तीसरा आर्थिक महाशक्ति देश है। यानी कि अमेरिका नंबर वन पे है, चीन नंबर टू पे है, और नंबर तीन पे कौन है? जापान है, यानी कि आर्थिक महाशक्ति। अब दोस्तों, आप जानते हैं जापान को अगर कुछ समय के लिए खुला छोड़ दे, वो क्या दोस्तों 5 साल छोड़ो, 10 साल छोड़ो, दोस्तों केवल 3 से 4 साल में वो तरह तरह का हथियार बना देगा, चाहे तो भिन्न प्रकार का दोस्तों फाइटर प्लेन बना देगा, 5th जनरेशन, यहाँ तक कि दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल, यहाँ तक कि परमाणु बम, दोस्तों कुछ भी बना सकता है। लेकिन जापान को किसने बांधा? वो है अमेरिका वालों, यूरोप वालों ने उसे प्रतिबंध लगाया हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, उसी का फायदा चीन हमेशा उठाया है। चीन तो हाल में यहाँ तक कह दिया है कि अब हम जापान से बदला लेंगे, जापान को अबूरा देंगे, हमारे पास वो पावर आ चुका है। क्योंकि वर्ल्ड वार टू से पहले जापानियों ने हमें दौरा दौरा के मारा था, हमारे बच्चे को, बीवियों को बुरी तरह से मारा था। दोस्तों, चीन बदले की बात कर रहा है, उधर रसिया भी बदले की बात कर रहा, बोल रहा है कि वर्ल्ड वार वन से पहले हमें जापानियों ने खूब मारा था, खूब हराया था, हमें घर में घुस के मारा था, अब हम बदला लेंगे। अब दोस्तों, जब जापान से सब बदला लेगा, चीन बदला लेगा, रशिया बदला लेगा, और दुनिया का तमाम देश तैयारी कर रहा है, तो जापान क्या अपने हाथ में चूड़ियाँ पहना हुआ है? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए फुमियो किशिदा ने कहा कि हम केवल 5 साल हमारे पास है ना, हम केवल 3 साल में सब कुछ बदल देंगे, जापान का इतिहास भूगोल सब कुछ बदला जाएगा। जापान में दोस्तों आप देखेंगे हर साल कम से कम 80 से 90 बिलियन डॉलर खर्च करें। किस पे? सेना पर खर्च करेगा दोस्तों, 80 से 90 बिलियन डॉलर खर्च करेगा, नया नया हथियार बनाने के लिए खर्च करेगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे, तो क्या हम लोग जापान का मदद कर सकते हैं? हम लोग जापान को सैन्य महाशक्ति बनवा सकते हैं, और क्या हमारे लिए खतरा नहीं होगा? दोस्तों, पहले आप ये जानिए, पहली बात ये समझिए दोस्तों, जापान अगर परमाणु संपन्न देश बनता है तो
जापान के परमाणु संपर्क मंत्री भारत दोस्तों अपने आप में बहुत ही मजबूत हो जाएगा। भारत का दोस्तों दाया हाथ कहिए, कह सकते हैं कि एक हाथ बेहद ही पावरफुल हो जाएगा। दोस्तों चीन के लिए साक्षात मौत होगा। आप बोलेंगे कैसे? आप जानते हैं दोस्तों जापान का झगड़ा हमेशा चीन से रहा है, ठीक है। जापान का झगड़ा चीन से हमेशा रहा है, भारत से झगड़ा दोस्तों कभी नहीं रहा है, ठीक है। और बड़ी बात तो यह है वर्ल्ड वार टू से पहले ये बात ध्यान रख लीजिए दोस्तों, जापान हमारे लिए लड़ रहा था, खासतौर पे अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मार रहा था। दोस्तों सुभाष चंद्र जी बोस, आप जानते हैं, जापान में जाके अपना सेना बनाया था। कह सकते हैं कि जापान हमें तभी मदद किया था और दोस्तों आज भी हमारा मदद वो कर रहा है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा। दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। हाँ एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर हम लोग थोड़ा मदद कर देना तो जापान हमारा ऋणी हो जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों हम लोग हमेशा रूस का नाम लेते हैं, पता क्यों? युद्ध में हमारा वो साथ दिया था, ठीक है। अगर आज के समय में हम लोग जापान को थोड़ा भी मदद कर दे, थोड़ा भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दे, यानी कि कैसे अग्नि 5 जैसा मिसाइल बना सकते हैं लॉन्ग रेंज का, कैसे परमाणु बम बना सकते हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग शेयर कर देंगे ना, तो देखेंगे आने वाले 500 साल कितना 500 वर्ष तक जापान के लोग हमारा ऋणी हो जाएगा, हमारा गुण गाएगा। बोलेगा भाई जिस समय चीन हमें हड़प रहा था, रसिया हम पे अटैक करने का कोशिश कर रहा था, उस समय कौन साथ दिया? वह भारत, अमेरिका भी साथ नहीं दिया, भारत ने तो हमें जीवन दान दिया। दोस्तों जापान के इतिहास में हमेशा भारत को दोस्तों बड़े अक्षर में हमेशा ऊपर रखेगा। जिस प्रकार से इज़राइल वाले दोस्तों आज भी भारत का नाम लेता है ना, अब जानते हैं वर्ल्ड वार टू में दोस्तों भारतीय सैनिक ने इज़राइल का जो हाइफा शहर है वो ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद करवाया था। ऑटोमन एम्पायर को भारतीय सेना दोस्तों बर्बाद कर, कह सकते हैं कि भारतीय सेना ने जो मुस्लिम कंट्री था दोस्तों ऑटोमन एम्पायर उससे बर्बाद कर दिया, और इज़राइल के लोग आज भी भारत को अपना गुरु मानता है। दोस्तों हम लोग इज़राइल से रूठ सकते हैं, इज़राइल के लोग हमसे नहीं, इसीलिए हमारे पास मौका है जापान को खुश करने का। और दोस्तों हम ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार उसे पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दे, थोड़ा बहुत मदद कर ही सकते हैं। और हाँ जापान पे जो प्रभाव है अमेरिका का वो हम लोग हटवा सकते हैं, अमेरिका को समझा सकते हैं कि भाई जापान को अब खुला छोड़ दो, जापान को अधिक दिन अगर तुम दबाव डालोगे तो जापान कमज़ोर हो जाएगा, और जापान कमज़ोर होगा तो ऑटोमेटिक से बात है अमेरिका भी कमज़ोर होगा, भारत भी कमज़ोर होगा, पूरे एशिया कमज़ोर होगा। और जापान का मजबूत होने का मतलब है यहाँ पे भारत मजबूत होगा, अमेरिका यूरोप सब मजबूत होगा, इसीलिए जापान को खुला छोड़ो। और दोस्तों भारत को यहाँ तक होना चाहिए कि अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, सबसे जापान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवा दे। और दोस्तों जापान में दोस्तों अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना भी करे ना, अगर उसे खुला छोड़ दे तब भी वो अजीब प्रकार दोस्तों हथियार बना सकता है, कह सकते हैं कि जिसका कल्पना दुनिया नहीं कर सकता है वैसा हथियार जापान बना सकता है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई तो चीन कहाँ गया, चीन तो जापान से बहुत आगे। दोस्तों बिल्कुल गलत है, जापान से टेक्नोलॉजी पता कौन कौन ट्रांसफ़र खासतौर पर कॉपी किया है, जापान का टेक्नोलॉजी वर्तमान में साउथ कोरिया पूरी तरह से कर लिया है, ताइवान कर लिया है, चाइना कर लिया है। दोस्तों इज़राइल भी दोस्तों जो भी देश आज टेक्नोलॉजी में तरक्की किया है सब जापान से कॉपी किया हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये दोस्तों हथियार टेक्नोलॉजी नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हो गया, कुछ भी हो गया दोस्तों वो सब जापान से किया हुआ है, ठीक है। 1970 दशक में और 60 दशक में दोस्तों जापान टेक्नोलॉजी का बादशाह था, उस समय दोस्तों टेक्नोलॉजी का ABC चीन को पता नहीं था, नहीं साउथ कोरिया ताइवान को पता था, लेकिन जापान उस समय भी महारत हासिल कर चुका था।